चंदल, आज हम बात करेंगे जिंदल स्टीफन पहाड़ के बारे में। और इसका देखिए आज प्राइस चला गया है 430 पे। और ये देखिए वन डे में आज 4% आसपास रिटर्न दिया था। और ठीक है, और ये क्लोजिंग का टाइम 3.83% ये डाउन हुआ है। तो चलो आज जानेंगे इसका डिटेल्स, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, और सारे आपको डिटेल्स अभी इस वीडियो पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस जो ये वाला देखिए 307.45, ये कितना 22 जून, यहाँ पे 6 मंथ पहले देखिए शेयर गिरा था और 558 आज से निकल के पूरा डायरेक्टली गिर गया था 307 पे। अभी ये देखिए यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ से थोड़ा ड्रॉप डाउन ये हुआ था और ये अभी देखिए चला गया है 432 पे। ठीक है ना, 6 मंथ का भी 307 चल रहा था, अभी 432 अभी आ चुका है। तो अभी इसमें खरीदने की आपको चांसेस है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो वॉल्यूम आज का ट्रेड हुआ है, ये NSE के साइड पे मैं हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर ये 432 पे क्लोजिंग दिया है 15.95 रुपीज़ और 3.83%। यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू कितना 81 रुपीज़ है, ट्रेड वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है 54,51,275, ट्रेड वॉल्यूम ये वैल्यू निकल गया 23,304.75। ठीक है, और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप करोड़ में यहाँ पे है देखिए 17,682, और यहाँ पे 52 एक हाई दिखा रहा है 577 और लो है 3.4। यहाँ पे देखिए क्वान्टिटी जो ट्रेड हुआ है टोटल आज 54,51,275, यहाँ से 18,84,443 शेयर ओनली उठाया गया आपका डिलीवरी पे। तो देखिए इसका हाई क्या था 434, लो है 418 और क्लोजिंग 433 पे दिया है, 418 ओपन हुआ था आज के दिन। यहाँ पे देखिए स्किनर के साइड पे कंपनी का डिटेल्स, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इज द वन ऑफ द इंडिया लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर विद द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन सेक्टर ऑफ द लाइक माइनिंग एंड द पावर जनरेशन। द ग्रुप हैज ग्लोबली प्रेजेंस थ्रू द सब्सिडियरी मेल इन ऑस्ट्रेलिया, बोस्टाना, इंडोनेशिया, म्यूटस, मोजाम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, मतलब ये कंट्री में अभी ये प्रेजेंस है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप है 44,206 और इसका 433 हाई गया था, मतलब करंट प्राइस अभी फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड कमी 0.23, मतलब डिविडेंड भी हर सर पे कर रहा है, बुक वैल्यू 349 है, स्टॉक पी है 5.61, आर ओ सी है 21.7। कंपनी का देखिए जो क्वार्टर चला जबरदस्त नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब सेल्स देखिए 9,946 यहाँ पे हुआ था 19 पे, अभी पहुँच गया जून में 2022 में ये 13,045 सेल्स हुआ है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है आपकी यहाँ पे 3,439 और यहाँ पे देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट आ चुका है 1,993 करोड़ का। ठीक है, और ये जो है 9.54 EPS अर्निंग है इसका, अर्निंग पर शेयर, मतलब देखिए ज़बरदस्त कंपनी का अभी ग्रोथ हो रहा है क्या अर्निंग शेयर पे, मतलब अभी 90 रुपीज़ आ चुका है। तो आप इसका शेयर अभी खरीद सकते हो क्योंकि अभी ये फिर 500-600 लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी का टोटल एसेट देखिए यहाँ पे, सॉरी टोटल एसेट कितना है 76,644। ठीक है ना, मार्च 2022 में करेंटली पहले था 36,089, अभी डबल हो चुका है ये वाला एसेट इसका। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर है अभी 60.44 है, FIs का जो अभी करेंटली 10.65। देखिए यहाँ पे कौन कौन FIs है, ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड जो सिंगापुर बेस है, कोटक फंड अभी यहाँ पे FIs में, ब्लैक
क्रॉक्ड ग्लोबल फंड, एशियन ड्रैगन फंड, ये अभी इसमें होल्ड करके बैठे हैं। डीएस में देखिए कोटक फ्लेक्स कैप फंड है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, कोटक टैक्स सेवर स्कीम, ये लोग जितना भी डीएस में ये लोग, ठीक है, निपुण लाइफ इंडिया, ये सब डीएस का, IDFC टैक्स, DSP टैक्स सेवर, ये अभी इसमें अभी होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट का इसमें है 0.0 है, मतलब अभी पब्लिक इसमें होल्ड करके बैठे हैं 12.13, और अदर है 1.02। तो देख लिए अभी इसका 432 प्राइस चल रहा है, इसका अभी नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 500 आसपास, ठीक है। अभी इसका आप शेयर होल्ड करके रख सकते हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और जानते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। तो रखता हूँ, बाय। जब भी न्यू व्यूअर हो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और